हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। तो इसके लिए मैंने पहले ऑयल गर्म किया था, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला, उसके बाद जिंजर गार्लिक और ओनियन का ये पेस्ट डाला। अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, इसको लाइट ब्राउन करेंगे, तब तक भूनना है। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, इसको मैंने 5-10 मिनट तक स्लो फ्लेम में अच्छे से भूना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो और चिली का पेस्ट, इसको भी मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे। हमें मसाला को तब तक भूनना होता है जब से इससे ऑयल ना निकलने लगे, तभी खाने में अच्छे से टेस्ट आता है, नहीं तो कच्चा बन सा रहता है। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, थोड़ी सी चिली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, इसको भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। और हाँ, नमक स्वाद अनुसार। मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से, अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे और इसको भी मिक्स कर देंगे। इसमें अब जाएगा थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के 10 मिनट्स के लिए पकने देंगे। चलिए देखते हैं मैं सब्जी कैसी बनी है। इट्स रेडी। मैं थोड़ा हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे। तो सब्जी बन के तैयार है। इसको आप चपाती या फिर चावल उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और इसमें मैंने बॉयल्ड अंडे डाले थे, उनको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन डिटेल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। And thank you for watching my video. Have a great day. Bye.